हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद SAS में। मैं शिवम हाजिर हूँ आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस सेट को लेकर। तो यहाँ हम लोग आज मैथ के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इनमें से कुछ ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, कुछ मैथ के ही क्वेश्चन हैं। और अगर आपको वीडियो में कोई मतलब क्वालिटी की बात हो तो वीडियो क्वालिटी अपने फ़ोन से बढ़ाइएगा, क्योंकि यहाँ से सब कुछ सही रहता है। फिलहाल और कुछ, अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा हम सबका। चलिए करते हैं शुरुआत आज की क्लास का। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उन सबको सॉल्व करके आपके सामने दिखाऊंगा। जैसे कि पहला ही प्रश्न यहाँ पर कुछ ऐसा है कि देखिएगा और समझिएगा, बड़ा आसान सा प्रश्न भी होगा और फिर कुछ वहां सीखने की भी बात होगी। यहाँ पे 22400 लिखा गया है, ठीक है। 22400 होगा, इसका जो 25% का जो मान होगा, 22400 का जो 25% है प्लस में 800 का 20% होगा, 800 का 20% हो जाएगा। और फिर बराबर लगा है, यहाँ बराबर में लिखा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न में क्या बात हो रही है कि 22400 का 25% प्लस में यहाँ पर फिर आगे है 800 का 20% बराबर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और दूसरी बात, इसके अगर ऑप्शन की बात करा जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका ये लोग जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं पूरे का हल करके मान निकालना है। मतलब 58-60 है पहला ऑप्शन है, 58-60 है दूसरा ऑप्शन जो आपको मिल रहा होगा किताब के द्वारा ये क्वेश्चन का, वो है 56-60 लिखा गया है, ठीक है, 56-60 है। तीसरे ऑप्शन की बात करें अगर हम लोग, तीसरा ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा 59-60 लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे फिफ्थ पे आए 60 है। और चौथे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे नन ऑफ दीज है। यहाँ पे इन चार ऑप्शन में से कोई एक सही होने वाला है, तो करेंगे हल हम लोग यहाँ पे इन सवाल का। तो देखिएगा कैसे हल होता है, ये प्रश्न और सरलीकरण से मिली जुली सवाल है, वैसे प्रश्नता सा ही है। तो करिए शुरुआत, ऐसे यहाँ पे लिखा है 22400 है, इसको लिख दीजिएगा। का मतलब होता है गुणा लगा देंगे, 25 का मतलब बटा में फिर होगा 100% था, बटा में 100 कर देंगे। और फिर प्लस लगा है, 800 लिखा है, फिर गुणा में 20 है, प्रतिशत मतलब बटा में 100 हो जाएगा। 00 से ये कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह का, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, 25 का गुणा करेंगे, यहाँ 100 होगा और फिर बचा 10, 25 गुणा 50 60 का मतलब फिर 6 बचा, फिर 25 गुणा 50 से 56 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, 8 गुणा 16 का मतलब 160 कह सकते हैं। ऐड कर लीजिएगा, ऐड करने पर कितना आएगा, यहाँ पर 0 हो गया, 6 हो गया और फिर यहाँ पे 6 7 हो जाएगा, यहाँ 57-60 आ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे मतलब हमारे पास जो हल करने पूरा उत्तर आएगा वो 57-60 आएगा। और यहाँ पर 57-60 आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, किसी को होना था ना 56-57, यहाँ पे मतलब 56-58-59 है, कोई 57 होता तो कर देते, फिलहाल यहाँ नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ बात करें तो क्या होगा, नन ऑफ दीज ही आपके सवाल का आंसर होगा। तो यहाँ नन ऑफ दीज की ओर हम लोग बढ़ेंगे, होता तो 57-60 कर दिया गया होता, यहाँ पर नहीं है 57-60 कोई भी ऑप्शन, तो यहाँ पे हम नन ऑफ दीज को सही आंसर मानेंगे इस सवाल का, ठीक है। फिलहाल आगे अगर लगाएं तो अगला प्रश्न हम सबके सामने कुछ अलग होके आएगा, वो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। वैसे आज की जो क्लास होने वाली है उसमें ज्यादा से ज्यादा सवाल है सिंप्लीफिकेशन की या फिर यहाँ पे नंबर सिस्टम की होने वाली होंगी, और उनमें मतलब कि घातांक वगैरह भी चल जाएगा, जैसे वर्ग वर्गमूल का भी हो सकता है, मे भी मिल जाए सवाल आपको देखने को। चलते हैं देखते हैं दूसरा प्रश्न आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं हम लोग। दूसरे प्रश्न के बारे में आप सोचिएगा, लिखा है कि 3/4 है, 3/4 है, यहाँ पे भिन्न के सवाल है, भिन्न का सिंप्लीफिकेशन है, 8/9 लिखा गया है और फिर माइनस लगा के कहेंगे 7/8, 40/49, 7/8 होगा, गुणा में 40/49 लिखा गया है। बराबर में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का जिक्र कर रहे हैं ना, बराबर में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा है। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आएगा वो होगा 1/21 होगा,
सेकेंड जो होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 2/21 होगा। तो जल्दी आप इसको सॉल्व कीजिए, तब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ 2/21। जिसका भी ऑप्शन जिसका भी सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा वो यहाँ पे कमेंट करेंगे। लाइव का भी प्रीमियर चल रहा है इसलिए उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा ही, वो भी जगह पे सही है। थर्ड होगा जो आपका होगा वो होगा 4/21 होगा। और फिर आगे दूसरी बात होगी तो नेक्स्ट है 5/21 है, या फिर 5/21 के बजाय हम लोग कर लेंगे यहाँ पे 99। देखिए जिस बुक से मैं अभी काम कर रहा हूँ उसमें 5 ऑप्शन होते हैं, तो मैं चौथे ऑप्शन को गायब करके 99 चौथे को ही कर देता हूँ, जबकि आप 5 और 99 होता है। इसलिए कोई चिंता की कोई चिंता ना कीजिएगा, जो होगा सब सही होगा। ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो उससे जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा 3/4 × 8/9 − 7/8 है गुणा में 40/49 लिखा गया है, इसके ऑप्शन है, इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं सॉल्व, देखिएगा यहाँ पे यही सॉल्व करना शुरू कर देंगे, सवाल दोबारा अलग से नहीं उतारा जाएगा। यहाँ 4 से कटेगा, 4 × 2 = 8 दो बार जाएगा, 3 × 3 = 9 बार जाएगा, 2/9 ऊपर बचा हुआ है। ठीक है आगे बढ़ते हैं कि कुछ और बचेगा। ये अच्छा 2/9 कहाँ होगा, 3 आएगा ना यहाँ पे कटेगा, तो 2/3 बचा हुआ है। आगे बढ़े क्या मिलेगा माइनस में, 8 × 5 = 40 5 बार जाएगा, 7 × 7 = 49 7 बार हो गया, 5/ कितना हो गया 7 हो गया, इतना सा हो चुका है ना। अब 7 × 21 होगा, हर में 21 आ गया, 7 × 2 = 14 होगा, माइनस में 5 × 15 हो जाएगा। अभी बात बताइए 5 × 15 = 7 × 14 एकदम बिल्कुल सही करा गया है फिलहाल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर बात हो वैसे 3 × 4 = 8 3 × 3 = 9 ठीक था एकदम बिल्कुल सही है, और फिर 5 × 7 = 14 5 × 15 मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 5 × 8 = 40 होगा, 8 × 5 = 40 7 × 7 = 49 7 बार गया है कुल, यहाँ तो माइनस 1/21 आ रहा है। अब माइनस में उत्तर आ रहा है, हमारे पास ऑप्शन तो कोई माइनस में है नहीं ना, तो अगर ऑप्शन माइनस में नहीं है तो क्या कहेंगे, मतलब वो जो आंसर इसका होगा वो नन ऑफ दीज होगा, मतलब लास्ट वाला होगा ना। तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास सब ऑप्शन तो पॉजिटिव में है, बट हमारा सही है सवाल, इसलिए क्या होगा नन ऑफ दीज ही आपका क्या होगा इसका आंसर होगा। ये लगी सवाल आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कैसी लगी सवाल बताइएगा आप कमेंट में जाकर। फिलहाल बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है जो कि आ रहा है, यहाँ पे लिखा है 448 का 25% + 800 इतने में मैं लगा दूंगा, 448 लिखा गया है, 448 का कितना परसेंट है यहाँ पर 25% है प्लस में 800 लिखा गया है, इसका मान निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, लिखा 448 का 25% + 800 = क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस पूरे का मान निकालना है। रही बात आप अगर ऑप्शन की बात पूछोगे तो ऑप्शन यहाँ पर होगा 824 912 है, 824 लिख देंगे, 912 होगा, उसके बाद 712 984 है, 712 984 इनमें से कोई नहीं आएगा तो कह देंगे ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा। ठीक है फिलहाल को हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कोई एक सही करना है। चलिए शुरुआत करते हैं इसका हल का, हल इसका हम लोग करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, 448 है गुणा 25/ क्या आ जाएगा 100 होगा प्लस 800 कर देंगे, ठीक इतना हुआ। और फिर यहाँ 25 का 25 यहाँ 4 बार जाएगा, ठीक 4 से काटेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 प्लस में 800 हो गया। अब बताइए 8 × 1 = 912 होगा क्या, 912 तो आ रहा है ना, यहाँ पे हम लोग 912 लेके आएंगे। आगे आप देखिए ऑप्शन में कोई 912 हो तो कह दीजिए, फिलहाल हम लोग सेकेंड कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई सवाल में प्रॉब्लम हो बताइए, बिल्कुल आसान सा था बस प्रश्न पे सवाल था लगा दिए उड़ गई सवाल। ठीक है बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न आपका थोड़ा सा ऐसे ही संबंध में है, अभी तो हम लोग समझिए एक बात जानिए कि जो सीआईटी सेंटेंस एग्जाम होता है उनमें ये सब सवालें ऐसे ही आया करती हैं, सिंप्लीफिकेशन का, कभी तो बोर्ड मास वगैरह आ जाएगा, कभी भिन्न का आ जाएगा, कभी जो घटा हुआ भाग से संबंध में भी आ जाया करता है फिलहाल, तो उसके लिए बहुत आसान सा था, बस केवल अगर हम लोग गलतियाँ कब करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सवालें सही हो जाएगी, 18 के 18 सही करके आएंगे। फिलहाल
अगला होगा 150 का जो 30% है, सवाल नंबर 4 है आपके लिए, 150 का 30% होगा। और फिर आगे लिखा है प्रश्न में 140 लिखा है, 140 का यहाँ पर 15% होगा बराबर। और फिर आगे बात हो रही है क्वेश्चन में, क्वेश्चन मार्क है प्लस 30 का 45%, 30 का 45%। एक बात यहाँ पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या मान होने वाला है। अगर मान की बात करें तो फिर यहाँ पर 5.5 50.5 लिखा गया है, पहला ऑप्शन है। अगला यहाँ पे सेकंड कह रहे हैं कि यहाँ 61.5 होगा, 61.5 है, फिर 62.5 है, फिर नेक्स्ट है जो कि 52.5 का जिक्र कर रहे हैं, और लास्ट जो फिफ्थ नंबर यहाँ ऑप्शन है, तो नन ऑफ दीज है, उसका हम जिक्र यहाँ नहीं करेंगे, जो भी उत्तर आएगा देखा जाएगा फिलहाल। तो ये सवाल है 150 का 30% प्लस में 140 का 15% है फिर, ठीक है। और फिर यहाँ पे बराबर में क्वेश्चन मार्क प्लस में 30 का 45% लिखा गया, कुछ इतना सा सवाल है, देखिए हल करके दिखाएं तो कैसे होगा। 150 होगा का माने गुणा 30 बट्टा में क्या होगा 100 हो जाएगा प्लस में, 140 है का माने गुणा 15 बट्टा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा बराबर में क्वेश्चन मार्क होगा प्लस में 30 होगा गुणा में 45 लिखा गया है, पूरे का बट्टा 100 हो जाएगा। इतनी बात हम लोग करें, ये 00 इन 0 से कट जाएंगे दोनों से, एक इससे गया और फिर 5 3 15 5 2 10 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 7 14 हो जाएगा, फिर 10 कट जाएगा यहाँ पर, फिर अगर करा जाए तो सॉल्व इसको 5 9 45 5 2 10 2 भर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पाएंगे 15 3 45 पा जाएंगे प्लस में, यहाँ हर खत्म है 7 3 21 मिल जाएगा बराबर में क्वेश्चन मार्क है प्लस में, यहाँ 9 3 27 होगा 27/2 मिलेगा, ठीक। इसके बाद इसको ऐड कर लेंगे कितना होगा, यहाँ 5 1 6 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा, इतना हुआ ना। और यहाँ पे दोनों इसको हम बाई और लाएंगे तो माइनस में लिखा जाएगा, इसको 2 से भाग करके ही लाइए भिन्न में, मतलब भिन्न में ना इसको भाग करिए 2 से, 2 1 2 2 3 6.5, ठीक है। बराबर में क्या होगा क्वेश्चन मार्क का मान यहाँ रह जाएगा, इसको हम लोग बाई और लाएंगे माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे इस 2 से भाग करेंगे 13.5 आ जाएगा, ठीक है। इसमें घटाइएगा तो कितना आएगा 0.5 आएगा, उसके बाद फिर यहाँ बचा हुआ 5 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा 2 आएगा, और 52.5 आएगा, 52.5 मतलब लोग कह रहे हैं। तो इस ऑप्शन का क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा 52.5 होगा, ठीक है। तो 52.5 जो होगा ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे तो 4 नंबर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपके सवाल का सही उत्तर होगा। यहाँ पे दशमलव बदल के बस घटाया गया है, घटाने में कोई तकलीफ हो बता, घटाने के बाद हम लोग कर सकते हैं, फिलहाल घटाने के लिए कोई घटा अगर हमको दशमलव घटाव ना आएगा तो हम लोग बहुत कमजोर, इसका मतलब है बस दशमलव का घटाव लगाया गया है और कुछ नहीं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न जो होगा आपका यहाँ पे 5 नंबर होगा, 5 नंबर के लिए हम लोग करें काम, तो 5 नंबर देखते हैं कैसे सवाल आपके लिए लेकर आया है। तो 5 नंबर में दोस्तों सवाल है आपके लिए थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे वर्गमूल निकालना पड़ेगा, करनी लगी हुई सवाल है, अच्छे सवाल लग रही है, 196 है, बटा में जो लिखा गया है वो है 14 है, गुणा में यहाँ फिर आगे फिर से वर्गमूल का चिन्ह है 169 है, 0.25 हो जाएगा, फिर तो कुछ और लिखा गया है कि 625/13 है, बराबर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और फिर इसमें 1/3 3 1/2 1/3 पहला ऑप्शन, 3 1/2 है दो अगला ऑप्शन होगा, और अगला फिर कह रहे हैं 2 भी है। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में जिक्र करेंगे सवाल में कैसे लगेगा। लिखा है कि 5वें प्रश्न में 196 रूट के अंदर है, बटा में 14 है,
फिर 169 बट्टा 25 है, फिर 625 बट्टा में 13 है, ऊपर सब में कड़ी लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब का वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको। वर्गमूल निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, अगर 196 का वर्गमूल का बात करें तो यहाँ पे इसका वर्गमूल 14 हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि 14 ठीक है बट्टा में 14 आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस में 169 का वर्गमूल 13 होगा, बट्टा में 25 हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्गमूल क्या, इसका क्या होगा, 625 होगा, गुणा लगा है सब में, 625 वर्गमूल क्या होगा, 25 हो जाएगा, बट्टा में कितना होगा, 13 होगा। यहाँ तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सबका सब कट जाएगा, सबका सब कट के यहाँ तो एक उत्तर आना चाहता है, ऑप्शन हमारे पास एक नहीं है, है ना, एक नहीं है तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि कहें तो नन ऑफ दीज तो होगा ना, नन ऑफ दीज के लिए हम लोग बात कर सकते हैं फिलहाल, यहाँ दिया तो नहीं है, देना था हम सबको ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इससे कैंसिल होगा, 25-25 गए, 13-13 गया, ऑप्शन में क्या आ जाएगा, उत्तर में एक आएगा ना, तो यहाँ पे उत्तर एक आ गया। तो यहाँ पे कोई नन ऑफ दीज है तो बढ़ा लो, या फिर किसी उत्तर किसी भी ऑप्शन में थोड़ा सा मतलब कि क्या कर लें, मतलब एडिट कर लें, किसी ऑप्शन में मॉडिफाई कर लें, बदल लें, तो बदलना अच्छा ना था, यहाँ पे मैंने नन ऑफ दीज किया, तो यहाँ नन ऑफ दीज इसका सवाल का उत्तर होगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसका वर्गमूल निकाला, 196 होगा 14 का वर्ग, 14 का वर्ग होता है इसलिए उसका वर्गमूल 14 आ जाएगा, ये 13 हुआ इसका 25 हो गया, 13-13 कैंसिल, 25-25 कटा, 14-14 पूरा का भाग जाएगा, तो भाग जाने पर उत्तर एक आता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये यहाँ पे सवाल लगाए हम लोग हैं, और इसमें ऑप्शन में कोई एक नहीं दिया था, मुझे एक नया ऑप्शन नन ऑफ दीज बनाना पड़ा, जैसा किताबें में जो मेरे पास किताब है उसमें किया गया है। फिलहाल अगर आप नहीं चाहते हो एक अलग से नन ऑफ दीज लिखना, तो कुछ ही ऑप्शन में एक लिख देंगे तो काम हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, सवाल को समझिए, ऑप्शन अपनी जगह पे सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पांचवी सवाल थी, छठे सवाल के आगे लिए हम लोग बढ़े आगे, तो देखते हैं छठवें सवाल कैसे हम सबके लिए आती है, इसके लिए हम लोग करेंगे काम छठवें सवाल के लिए। तो प्रश्न में लिखा है कि यहाँ पर 3769 है, 6 नंबर है, 3969 है, डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में है, इसमें थोड़ा सवाल में हम सबको कुछ बेहतर काम करना पड़ेगा। 300 का कितना होगा, 7% होगा, ठीक। इसका जो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ 3969 जो होगा डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क है, पूरा स्क्वायर रूट में लिखा है, बराबर 300 का 7% लिखा ही गया है, इसमें इसको हल करके क्वेश्चन मार्क की जगह पे मान निकालना होगा। और ऑप्शन का मैं जिक्र करूँ तो ऑप्शन में यहाँ 16, 9, 4 और 25 है, 16 है, 9 है, 4 है और 25 है, अगला नन ऑफ दीज है। तो आप काम कीजिएगा पांचों ऑप्शन के लिए, जो भी होगा सही वो हम लगा देंगे। फिलहाल इसको हल करते हैं अच्छे से, यहाँ पे लिखा गया है देखिएगा 39669 ना, डिवाइड बाई क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पूरे पे ब्रेक वो लगा है, करणी लगी है, बराबर में 300 लिखा जाएगा, गुणा में 7 बटा कितना हो जाएगा, 100 होगा, WW कैंसिल हो जाएगा। आगे करें, देखिए आगे हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे क्या मिलेगा हम सबको देखते हैं, वर्ग करने पे ये मिलेगा कर्णी गायब हो जाएगी, बाई ओर की कर्णी गायब हो जाएगी, ठीक है। 3969 होगा यहाँ पे, डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इक्वल टू यहाँ 3 × 7 का मतलब 21 होगा, 7 × 21 होता है ना, 21 का क्या करना पड़ेगा हमको, वर्ग करना पड़ेगा। अच्छा 21 का वर्ग तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको दिखाऊं कैसे करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले इकाई का वर्ग करते हैं, 1 × 1 होगा, फिर इन सभी नंबर का गुणा कर लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 हो जाएगा, और फिर लास्ट में दहाई का वर्ग, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 400 कितना होगा, 41 हो जाएगा यहाँ पे मान, ठीक है। अब एक काम कीजिएगा, देखिए अगर आप समझना चाहो तो कैसे कर पाएंगे, ये जो भाग होता है, भाग है इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, है ना, यहाँ पे इसके साथ ही भाग में है, पीछे जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यहाँ पे इसी हिसाब से समझेंगे, 3969 होगा इक्व टू 441
इनटू में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसके साथ ये गुणा में है, ये भाग में लगा देंगे इसको। यहाँ पे मैं बगल में लिखूं वैसे तो क्या लिखा जाएगा, तीन यहाँ पे 39 69 भाग लगाएंगे 441 के साथ, बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसका हम लोग भाग करें तो कितना आएगा, आप इसको समझिए। अगर वैसे डायरेक्टली कर दें तो अच्छा हो ना, डायरेक्टली मैं करके दिखाता हूँ। 441 होगा, भाग करेंगे 3 6 6 3 9 6 9 इससे, ठीक है। तो कीजिए भाग क्या होगा, कितनी बार जाएगा, वैसे एक बार तो नहीं जा सकता क्योंकि 396 है, 400 है, एक बार नहीं जाएगा तो कितनी बार जाएगा, वैसे कहेंगे तो 9 बार ले जाने का हम लोग करेंगे प्रयास। 9 1 9 9 9 6 36 हो जाएगा, 36 6 9 6 36 39 होगा, पूरा पूरा क्या होता है कट जाएगा, कितनी बार गया 9, इसलिए इसका उत्तर जो आएगा क्या होगा, 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे लिखा जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे 9 लिखेंगे, 9 इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये लगे सवाल दोस्तों, यहाँ पे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न हमारे पास आएगा, सातवां प्रश्न है, सातवें प्रश्न के लिए काम करेंगे। सातवें प्रश्न में देखते हैं क्या हो सकता है, कैसे सवाल मिलेंगे आपको वो कीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, ठीक। तो सातवां प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर है कुछ इस प्रकार की, ये है लिखा है कि अगर किसी संख्या और उसके दो तिहाई के बीच 27 का अंतर हो, यहाँ भाषा में लिख रहा हूँ, अगर किसी संख्या और उसके दो तिहाई के बीच 27 का अंतर हो, अगर किसी संख्या और उसके दो तिहाई के बीच अंतर 27 हो तो क्या कर रहे हैं, उसके बाद फिर तो संख्या याद कीजिए। अगर किसी संख्या और उसके दो तिहाई के बीच 27 का अंतर, अगर किसी संख्या और उसके दो तिहाई के बीच 27 ना बीच अंतर 27 हो तो संख्या याद कीजिए। तो संख्या हमको ज्ञात करना है, और यहाँ पर जो संख्या होगी या तो 54 71 80 81 में से कोई होगी, क्या 54 होगा, 71 होगा, 80 होगा और 81 होगा, या फिर नन ऑफ दीज भी हो सकता है, कोई भी मान आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन पांच ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर किसी संख्या और उसके दो तिहाई के बीच का जो अंतर 27 होगा, इसको समझते ही नहीं संबंध को हम लोग लगाएंगे। अगर कोई संख्या है, संख्या का मतलब x कर दीजिएगा, इसमें से अंतर में क्या घटाएंगे, उसका दो तिहाई, x का 2/3 हम लोग यहाँ पे घटा देंगे, उत्तर कितना आएगा, 27 का अंतर आएगा। संख्या में से क्या घटाना है, उसका 2/3 2/3 घटाएंगे तो उत्तर 27 आएगा। हल कीजिएगा, 3 1 3x होगा, माइनस में 2x लिखा ही गया यहाँ पर, पूरे का 3 हो जाएगा, बराबर में 27 लिखेंगे, या 3 में से अगर 2x घटाएंगे 1x बचेगा, बराबर में 27 का 3 से कर दीजिएगा, 3 7 21 होगा, 3 9 6 और फिर 6 2 8 होगा, 81 हो जाएगा। x का जो मान होगा वो 81 होगा, मतलब वो संख्या क्या थी, 81 थी, ऑप्शन नंबर आपका होगा यहाँ पे, फोन नंबर होगा, उस संख्या का मान 81 आ जाएगा। तो सवालों को जब भी कभी कोई भाषा की सवाल आए तो भाषा का थोड़ा सा संबंध ध्यान से पढ़ते हैं, उसी को अप्लाई करते हैं, आपके सवाल आराम से लग जाएगी। फिलहाल यहाँ काम करें अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न 8वां नंबर आपके लिए मैं लिख रहा हूँ। 8वें प्रश्न में कुछ ये होगा कि यहाँ मिलेगा, जैसे कह ही तो रहे हैं 46 1/4 हो जाएगा, 46 1/4 होगा, माइनस में आगे लिखा है 28 2/3 होगा, 2/3 होगा, और फिर से यहाँ माइनस लगा है, 12 1/2 कहेंगे, ठीक है। फिर आगे यहाँ लगा है प्लस में 8 1/2 है, 8 1/2 बराबर क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब पूरे को हल करके आपको मान निकाल के उत्तर बताना है। आगे ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे
तेरह सही सात बट्टा बारह है, पहला ऑप्शन तेरह सही सात बट्टा बारह है। आगे दूसरे की बात करें, यहाँ पर तेरह सही एक बट्टा बारह है, सात है यहाँ पर, तेरह सही एक बट्टा बारह लिखा गया है। अगला ऑप्शन है यहाँ पे तेरह सही पांच बट्टा बारह है, तेरह सही पांच बट्टा बारह होगा। अगला ऑप्शन जो होगा आपके लिए तेरह सही एक बट्टा बारह है, एक बट्टा बारह वैसे पहले भी दिया है, दूसरी बार भी दिया है, ये किताबें कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, वो अपनी जगह पे जैसे भी है ठीक है, क्या करें ना। और फिर जो भी होगा यहाँ नन ऑफ बीस कर देंगे हम लोग, तो नन ऑफ बीस होगा, चलो ये सही है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, चारों में से कोई एक सही होगा हल करने पे। देखिए यहाँ पे अगर अगर वैसे जो हम लोग करते थे नॉर्मल पहले की मिश्र भिन्न को पहले भिन्न बदलेंगे तब लगाएंगे हल, तो उसमें करेंगे लंबा होगा, यहाँ पे संख्याएं बड़ी हो जाएंगी। वजह क्या है, 46 का चार से गुणा करने का मतलब बहुत बड़ा नंबर मिल जाएगा हमको, इसे छोटा 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 सहजता से आसानी से कैसे कर पाएंगे अब समझिएगा। ये पूर्णांक संख्याएं जो है और जो भिन्न संख्या इनको अलग अलग हम लोग इनके चिन्ह के साथ हल करते हैं, कैसे ऐसा 46 है लिख देंगे, माइनस में 28 है इसको भी लिखा जाएगा, माइनस में 12 है, प्लस में 8 है, इस प्रकार से हम इनकी मतलब पूर्ण संख्याओं को लिख देंगे और इन्हीं चिन्हों के साथ। जैसे क्या होगा, 1/4 होगा, प्लस में 1/4 है, माइनस में 2/3 लिखा जाएगा, माइनस 1/2 होगा, प्लस 1/2 होगा, इनको ऐसे लिख कर हल करेंगे, बराबर में जो कुछ आएगा उसको बता देंगे। फिर समझाता हूँ, मिश्र भिन्न में जो यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनको लिख देंगे चिन्हों के साथ में, फिर भिन्नात्मक संख्याओं को उनके यहाँ ए पॉजिटिव तक पॉजिटिव लगा के आगे बढ़ेंगे, भिन्नात्मक संख्याओं को उनके चिन्हों के साथ लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, वो हम सवाल लगाकर दिखा पाएंगे। चलिए करते हैं सवाल को हल, यहाँ पे इन सबको हल कीजिएगा, जो आएगा वो हमारा उत्तर होगा। फिलहाल यहाँ पे इसको यहाँ चिन्ह समान है, इनको जोड़ लेंगे, कितना होगा 28 और 33 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 होगा, इसको 8 इसमें जोड़ा जाएगा, 8 इसके साथ जुड़ेगा तो क्या होगा 8, और फिर मतलब आएगा यहाँ पे 54 होगा, माइनस में 40 होगा, इंटू में यहाँ इंटू नहीं प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 1/4, देखिए 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 3 होगा, 4 2 8 होगा, 3 माइनस 8 बटा में 4 कितना होगा 12 होगा, इतना हो चुका है। घटा लीजिएगा 40 10 50 4 54 14 होगा, और फिर यहाँ 8 में 3 घटेगा तो -5 आएगा, तो यहाँ बाहर माइनस लगा देंगे, -5 क्या होगा 12 होगा। इसको हल करते हैं, इसको हम लोग हल करेंगे, यहाँ पे देखिए 12 4 48 होगा, 8 होगा, और 12 एकम 12 4 16 -5/12 हो जाएगा। आगे क्या मिलेगा, यहाँ घटाएंगे 163/12 होगा, ये लगी सवाल आपके, इसको मिश्र भिन्न बदलना होगा, ऐसे हर सब में 12 इसलिए कुछ आगे आप करते जाइए, 12 एकम 12 यहाँ पे 12 4 16 43 होगा, और 12 36 और 36 हुआ है, और कितना बचा 36 4 और फिर 3 7/12 होगा, 13 सही 7/12 होगा, तो इतना सा मिलेगा आपको इस सवाल का हल। तो देखिए आसान सा होता है, बस केवल हमको काम करना होगा सहजता से, थोड़ा दिमाग से सही काम करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर इनके पूर्णांकों को ऐड कर लेते हैं, फिर उन्हीं चिन्हों के साथ जैसा भी होगा इनके भिन्नात्मक संख्याओं को ऐड कर लेंगे, और हल करने पे जो भी आएगा हमारा वो सही उत्तर देगा। ऐसे में हमको मिश्र भिन्न को भिन्न में बात बदलने में जो दिक्कतें होती हैं, जो नंबर बड़े हो जाते हैं पहले से, इसको नहीं करना पड़ेगा। तो उत्तर क्या होगा, 13 सही 7/12 ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप सही कहोगे, ठीक है। ये लगी सवाल आपकी, यहाँ पर आगे अगर सवाल लगाएं तो अगला प्रश्न आपके लिए क्या होगा, यहाँ पे मैं 9वां प्रश्न लिख रहा हूँ, ठीक है। 9वें सवाल के लिए जो काम करेंगे वो कुछ इस प्रकार होगा कि देखिएगा, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 9वें सवाल को, 9वें सवाल कई सवाल है, देखते हैं कौन सा ले लेंगे, कोई भी जो भी सही लगे, जो सही तो सब होगा ना। यहाँ पर एक देखिए ये सवाल है, ये भी अच्छी सवाल लग रही है, इसको लेके हल करते हैं। यहाँ पंकज अपनी आय का 10%, मैं सवाल की भाषा लिख रहा हूँ, 9वीं सवाल है, पंकज अपनी आय का 10%, पंकज अपनी यहाँ पर अपनी आय का 10% जो हो रहा है वो कहाँ पर, भोजन पर, अपनी आय का 10% भोजन पर, और फिर शेष का क्या हो रहा है, शेष का 15% क्या होगा,
कहाँ पर खर्चा कर रहा है? बच्चों बच्चों की शिक्षा पर, तो केवल शिक्षा पर लिखेंगे यहाँ पर 15% शिक्षा पर। फिर क्या हो गया उसके बाद, फिर शेष का 30% शेष का 30% क्या कहाँ खर्चा कर रहा है वो? शेष का 30% जो होता है अन्य जगह खर्चा करता है ना, अन्य जगह खर्चा करता है, अन्य जगह खर्च करता है, करता है। उसके बाद भी क्या होता है कि वो 1071 रुपए बचा लेता है। उसके बाद 1071 रुपए वो क्या करता है? बचा लेता है। तो हमको क्या निकालना होगा यहाँ पर उसकी, यहाँ पर मतलब मासिक आय या फिर उसका वेतन निकालना है बस। तो उसका वेतन की बात कर रहे हैं, उसका वेतन कितना होगा? तो यहाँ ऑप्शन में आपको मिला होगा, ऑप्शन में लिख रहा हूँ 3,000 2,500 है, 1,500 है, 3,000 लिखा गया है ठीक है, और 1,500 है फिर, और फिर 2,500 है, और आगे यहाँ पर है तो 2,000 लिखा है, 2,000 है, और नन ऑफ बीज है, जो भी होगा आप सही कीजिएगा ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि पंकज अपनी आय का 10% भोजन पर, शेष का 15% शिक्षा पर, और अन्य जो होता है शेष का 30% खर्च होता है, अन्य जगह पे बहुत सारे खर्च होते हैं, तो वहां पर वो 30% खर्च कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है उसका कि वो मतलब 17 तब भी उसके बाद फिर वो 10,000 का 1,071 रुपए बचा लेता है। इस टाइप के सवाल में देखिए, जब भी खर्चा शेष पर दिया गया हो, खर्च में शेष की बात कर रहे हैं, कोई भी खर्चा, पहली खर्चा दूसरे में शेष का कुछ और हो, शेष का कुछ और परसेंट हो, उस सवाल को कैसे लगाते हैं आप सीखिएगा। यहाँ पे आय का जो मान होता है, आय बराबर होगा 100/100 माइनस पहला खर्चा 10% है, गुणा में 100/100 माइनस दूसरा खर्चा 15%, गुणा में 100/100 माइनस तीसरा खर्चा 30% है, गुणा में यहाँ क्या हो जाएगा लास्ट में बचत क्या है 10/70 है। ये यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अगर शेष का की बात कर रहे होंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, अगर शेष नहीं होगा तो सब में 100 में 10, 15, 30 सबको जोड़कर 100 में एक बार में घटाकर ये सब गायब हो जाएगा दोनों पर, सब एक बार में 30 और 15 सबको जोड़कर घटा दिए होंगे, तब यहाँ पर आए यहाँ पे बचत के साथ गुणा करते हैं, ये लगेगी सवाल। देखिए हल करते हैं, 100/ में क्या होगा यहाँ 90 होगा, गुणा में 100/ में कितना होगा यहाँ पे 85 हो जाएगा, और फिर गुणा में 100/ में कितना होगा यहाँ पर 70 हो जाएगा, गुणा में 10/71 होगा। देखिए कीजिए हल यहाँ कैसे होगा, डबल 0 0 काट दीजिए, और फिर 7 से क्या कटेगा, कुछ नहीं कटेगा 7 से भी, यहाँ की बात देख लेंगे, यहाँ 5 से कटेगा, 5 का 5 एकम 5 होगा, 5 से कम 5 या 7, यहाँ 5 7 35 हो जाएगा ना, 35 होगा, 5 7 35 होगा, और 5 का करेंगे 20 25 100 होगा, और फिर यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, इसको ऐसे छोड़ देंगे, ये कुछ हल होगा लगता है, तभी ऐसा बन रहा है ठीक है। तो करें हल यहाँ पर, 7 से काटें क्या इसको, 7 एकम 7 3 10 37, 7 5 35 2 37, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 3 10 37, 7 5 35 होगा, 2 21 7 21 हो, 153 आ जाएगा, ये 7 पूरा गायब हो गया ठीक। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ 9 से कटेगा क्या, 9 से कटेगा, 9 एकम 9 5 होगा, 9 6 6 होगा, 9 से कटेगा, 9 एकम 9 होगा, 9 7 63 17 से पूरा 17 खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म ऊपर की। यहाँ क्या बचेगा, 2 है, 1 0 2 0 20 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2000 बन जाएगा। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 2000। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, 4 नंबर की बात करेंगे, जिसका मतलब उसका जो वेतन था वो क्या था, 2000 रुपया था। यहाँ पे ये लगी सवाल कुछ इस टाइप की। दोस्तों आज की क्लास में कुछ इतना सा ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में कुछ नए सवालों के साथ, फिलहाल वीडियो में बने रहेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।